दादरा एवं नगर हवेली में हर्षोल्लास एवं धूमधाम से रामनवमी के पर्व को मनाया गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के सानिध्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम के साथ साथ अन्य झांकियां भी देखी गई। सिलवासा में रामनवमी शोभा यात्रा में भगवान श्री राम जी के भक्तों ने उत्साह से भाग लिया। यह शोभा यात्रा सिलवासा के बालाजी मंदिर के पास से आरंभ होकर समूचे सिलवासा शहर से होते हुए वापस बालाजी मंदिर पर जाकर समाप्त हो गई। शोभा यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन की चुस्त दुरुस्त बंदोबस्त भी देखी गई। शोभा यात्रा में दिल्ली से सिलवासा पहुंची लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की धर्मपत्नी डॉक्टर अमिता बिरला भी शामिल हुई, जिनके हाथों से नारियल तोड़कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। श्री राम जी के शोभा यात्रा में डॉक्टर अमिता बिरला के साथ दाना के पूर्व भाजपा सांसद नट्टू पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रशांत पाटिल, आशीष ठक्कर, संजय राउत, डॉक्टर प्रमिला उपाध्याय, शांतु पुजारी सहित भाजपा के आला नेता, बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में भगवान राम जी के भक्तों की उपस्थिति देखी गई। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के बाद यह पहली शोभा यात्रा थी जिसमें दानहा में पहली बार इतने भव्य रूप से इस शोभा यात्रा को निकाला गया। रामनवमी के इस खास अवसर पर आयोजकों एवं मुख्य अतिथियों का क्या कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। आज के प्रभु राम भगवान की शोभा यात्रा में हम लोग शामिल होने के लिए हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली मानते हैं। और ये जो शोभा यात्रा है हमारे विश्व हिंदू परिषद के ओर से किया जा रहा है, हम लोग सब लोग उसमें जुड़े हुए हैं। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे राकेश भाई, अजय भाई, हमारे पूरे काउंसिलर्स और सब लोग, हमारे जो पाटिल जी और विश्व हिंदू परिषद के सभी लोग जुड़े हैं हम, और उसमें सभी हिंदू समाज एक होके एक शोभा यात्रा आज निकलेगी सिलवासा दादरा नगर हवेली में। और प्रभु श्री राम भगवान जी का बहुत बड़ा महिमा है कि जो दादरा नगर हवेली के हर हिंदू समाज प्रभु राम भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज के दिन के मैं सभी को यहाँ जुड़े हुए उनको और पूरे प्रदेशवासियों को आज रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इनके पावन अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के ओर से जो महारैली निकल रही है, तो मैं आप सभी प्रदेशवासियों को और खासकर विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज पूरे दादरा नगर हवेली के सभी समाज का सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं और हमारे सभी अतिथि लोग का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और यहां पे जितने चाहे वो सभी समाज का भी मैं अभिवादन करता हूँ और यहाँ की जो लोकल समाज है मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ, क्योंकि सबसे तादाद में आज उन्होंने भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हुआ है। और मैं सभी प्रदेशवासियों को श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पहले सबको जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज जो ये शोभा यात्रा सब हिंदू मिलके आज रामनवमी के पर्व पर रखा है, तो सभी हर उल्लास के साथ उसको मना रहे हैं। सभी हिंदू वासियों को रामनवमी की शुभकामना देता हूँ आपके माध्यम से। तो पहले मैं सभी राम भक्तों को रामनवमी की शुभकामना देना चाहूँगा। और ये भव्य और दिव्य ये शोभा यात्रा हो रही है, ऐसे हर साल शोभा यात्रा होनी चाहिए और इसका विस्तार होना चाहिए। ये भव्य रैली का आयोजन यहाँ पे हर संगठन ने सपोर्ट किया है, खासकर विश्व हिंदू परिषद आर एस एस वाले ने सपोर्ट किया है। और ये